सब्सक्राइब कीजिए देसी खेती चैनल को और साथ ही पास में आए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कृषि संबंधी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी के तो नौकरी है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का राज हो, आपको नौकरी करना है और उन्हीं की बजाना है। किसान लोगों की तो कोई सुनने वाला है नहीं है। किसान लोग उनमें एकता भी इतनी नहीं है कि वो खेती करे, कहीं आकर के धरना प्रदर्शन करे, लाठियां खाए, केस लगा दे, तो उनमें दौड़े खेती करे, उनके बाल बच्चों का पालन पोषण करे। क्योंकि जो सरकार आती है उसी का गीत आप गाते हो, जब जब चुनाव आते हैं तब तब किसानों की बातें आ जाती है, बाकी किसानों की सुनने वाला न तो कांग्रेस है न बीजेपी है। क्योंकि किसान लोग बहुत बेचारे गरीब लोग हैं, कितनी कठिन परिश्रम, सर्दियों गर्मियों बरसात हो उसमें उनको खेती करना पड़ता है, बाकी उनके बाल बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल हो जाता है। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कि आप बता रहे हो कि भाव चने का इतना हो गया, गेहूं का इतना हो गया, मक्के का इतना हो गया। आज बताइए मक्के का क्या भाव है? हम खेती करते हैं 1100-1200 में मक्का है, जो गांव में आ करके खरीद रहे हैं, एक बीघे में 4 से 3 बोरी मक्का होता है, उसमें कितनी मेहनत होती है, और 1100-1200 में ये जो मक्का खरीद रहे हैं, 25-30 रुपये लीटर दूध ले रहे हैं, जब पानी का कीमत भी 25-30 रुपये लीटर है और दूध का भाव 25-30 रुपये, क्या मिल रहा है किसान लोगों को? किसान लोगों को आते हैं मौका बेटा देते हैं, उनको आकर के है जो अपने झुमला बना करके है, जो वोट ले लेते हैं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, मेरे को पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसानों के हित की बात कोई करते हैं नहीं। जब सौर ऊर्जा की बात आपने की है भी, मैंने सौर ऊर्जा 60,000 में लगाई है, आज सौर ऊर्जा की कीमत क्या है? 2.5-3 लाख रुपये है। क्या किसानों का फायदा हुआ? आज खाद का 1200 रुपये, DAP 1100 रुपये है, उनको क्यों नहीं आप डायरेक्ट कम कर देते? आप चना खरीदे देते हैं, सरसों खरीदे देते हैं, वो किसान तक पहुंचती है क्या? इसका आपको क्या है कि आप तो बड़े ऑफिसर हो, आप तो बैठे रहते हो, नीचे भेज देते हो, आधा पूरा भेजते हो, नीचे आधा आता है, आधा भी गरीब लोगों तक नहीं पहुंचता है, उसको उस फ्री जो खाद बीज को देते हो उनके बजाय डायरेक्ट सब्सिडी, आप जो 1100 रुपये खाद का कट्टा है उसको 800 रुपये 700 रुपये कर दीजिए, सबको फायदा हो जाएगा। जरूरी नहीं कि मेरे को अकेले को, सबको फायदा हो जाएगा। वही यूरिया की कीमत है आज 300-250 रुपये कर दीजिए, उसमें डायरेक्ट किसान को फायदा होगा। दूध का कीमत देख लीजिए आप, दूध पे नहीं, मेरा पूरा सुन लीजिए आप। अभी क्या मैं राजपुरा त्रिपा मेंस की खदानों के पास काश्तकार हूँ, हमारे आसपास के गांव में है, 10 किलोमीटर एरिया में उसका कुप्रभाव पड़ रहा है, वेदांता है बड़ा ग्रुप, वेदांता ग्रुप का बरसात के टाइम में जो एसी ऊपर जाता है, बाकी तो हवा में बिखर जाता है, इतना असर नहीं होता है। अभी ये भी क्या होता है कि बरसात के टाइम में जब एसी ऊपर उड़ता है, जो भी बारिश होती है खेतों में आकर के गिर जाता है और हमारी फसलें खराब हो जाती है। हम बार बार चिल्लाने के बाद भी हमारी कोई सुनता नहीं है। अभी भी हमारे खेती चौपट हो गई है, हमने बहुत कहा है पर न तो कोई तहसीलदार सुनते हैं, न कलेक्टर सुनते हैं, क्योंकि इनको सबको है जो एक पैकेट बंधा हुआ है इनके, तो हमारे किसान लोग इनको कौन सुनेगा? बड़े बड़े जो टाटा बिरला वेदांता ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। सुनो मेरी बात, देखिए एक मिनट सुनिए भाई, देखिए आपकी बात सच है, जो इन्होंने बोली बात है ना, कभी किसान झूठ नहीं बोलता, सुनो किसान कभी झूठ नहीं बोलता, उसकी पीड़ा बोलते है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, आज जितना पैसा यहाँ लगाया ये केवल इसलिए लगाया कि किसान की पीड़ा को दूर करें, इसलिए आपकी सुन रहे हैं, और जितना ज़्यादा सुनेंगे और जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना आपको भी फायदा और हमको भी फायदा। डॉक्टर के पास जाओ और मुंह बंद करके बैठ जाओ तो वो आपकी बीमारी को गैस नहीं कर पाएगा, क्या बीमारी अच्छी तरह से बताओगे तो डॉक्टर को पता लग जाए। अब देखो ये जितना पैसा है ना, पैसा ये लगा इस बदल पे, इसमें क्या कुछ हम यही सिखाने के लिए आपको बुलाया है कि देखो घाटे की खेती धीरे धीरे बदलो, और ऐसी ऐसी खेतियां आपको दिखाएंगे जिसमें आधे बीघे में 1 लाख से 2 लाख की कमाई है। आपके यहां हमने आपकी वन औषधियों की मंडी बढ़ाई,
190 करोड़ रुपया 2 साल में किसानों को आमदनी हुई। इससे पहले कोई इसको, ये आपका कल बताया धातुरा था, वो कोई लेता नहीं था, 25 रुपए किलो बिकने लगे। कई चीजें करंज वरंज ऐसी थी, वहां लिखे पड़े रेट। इसलिए हम कह रहे हैं, देखिए किसान परसों से एक ही खेती से जुड़ा है और उसको छोड़ नहीं रहा। हम कहते हैं भाई खेती ऐसी चीज है जिसमें बाड़िया ना बाड़िया, वो एक साल दुकान में घाटा पड़ जाए तो दूसरे साल दूसरा काम कर लेता है, लेकिन किसान 20 साल घाटा जाता रहेगा और आमदनी की दुकान नहीं खोलेगा, घाटे वाली दुकान चलाएगा। अब देखो मेरे पास भी, मेरे पिताजी अनपढ़ थे, उनके जमीन के अंदर उनकी रोटी पूरी आती। मेरे पास 40 बीघे जमीन है, मैंने डिग्गी बनाई, ड्रिप लगाया और किन्नू का बाग लगा लिया। वो रोटी पूरी नहीं करते थे और मुझे 40 लाख रुपया 40 बीघे में आमदनी हो रही है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, बाग लगा लिया, अब मेरे पास गाड़ियां हैं और MLA बन गया, मंत्री बन गया। देखो किसान को थोड़ा सा फसलों में आधुनिक खेती के साथ जुड़ना पड़ेगा। ऐसी ऐसी खेती बाड़ी है जिनके अंदर मुंह मांगे दाम मिलते हैं पर अपने घबराते हैं। मैं नहीं कहता एकदम उस पे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा हिस्सा बदलना शुरू करो। अब डूंगरपुर को जैविक खेती के अंदर हम कह रहे हैं कि जैविक खेती की हर दुकान खोल देंगे, एक मंडी में आप जो है केवल जैविक खेती करो तो उसकी कीमत 3 गुना है, उसकी कीमत 3 गुना है, लेकिन किसान थोड़ा बहकाता है। आज आप यहाँ घूमोगे तो आपको ऐसी ऐसी नस्ल की गाय मिलेंगी जो एक टाइम में 25 किलो दूध देती हैं और अपने पास ऐसी गाय है जो 2.5 किलो देती है। अब आप 2.5 किलो वाली को रखोगे तो आमदनी 2.5 किलो की रहेगी, जब 2.5 की जगह 25 वाली है, चारा 25 वाली भी उतना खाती है, दारा 2.5 वाली भी उतना खाती है, उसको भी संभालने के लिए उतना टाइम लगता है, उसको भी संभालने के लिए उतना टाइम लगता है, तो फिर 2.5 किलो वाली क्यों लो भाई? 2.5 वाली रखनी चाहिए या 20-25 वाली रखनी चाहिए? तो ये चीजें जगाने के लिए आपको बुलाया कि घाटे में हम क्यों हैं। अब आपके पास सर्टिफाइड बीज है, एक बीज उसमें मक्का निकलता है 10 क्विंटल बीघे का, और एक पुराना बीज है उसमें निकलता है 2 क्विंटल, तो आप 10 क्विंटल वाला तो लो नहीं और 2 क्विंटल बीज के कहो कि मेरे को घाटा है, तो कहीं ना कहीं अपने काम करने में भी कमी है ना। आज ऐसे ऐसे बीज आ गए, ऐसी ऐसी खेती आ गई, ऐसे ऐसे औषधीय पौधे आ गए, ऐसे ऐसे बागवानी आ गई, ऐसी ऐसी शेडनेट आ गई कि आधे बीघे के अंदर अभी आप देखना, वहां प्रभु लाल जी सैनी अपने मंत्री हैं, मैं इनके गांव गया था, जितनी जगह में ये लगा हुआ टेंट इतनी में खीरा बोया उन्होंने, और 1.5 लाख का तो खीरा और जो घर में खाया वो फ्री। इतने इतने बीज अच्छे आ गए, इतनी इतनी अच्छी आमदनी। तो भाई आज आपको यही दिखाने के लिए कि घाटे से फायदे में कैसे आओ, तो जब आप घूमोगे तो आपको देख के लगेगा कि हम जो खेती में जो नई तकनीक है उसको नहीं अपना रहे, नए बीज, नए नए पशुपालन, नए नए आपके कमाई के जरिए, तो ये सारी चीजें उन्नत किसान, उन्नत खेती और नई तकनीक जुड़े बगैर आपको घाटे में से निकलना मुश्किल है। इसलिए आप यहाँ आए हो, सब घूमो अच्छी तरह और फिर देखना आप कि क्या फायदा होता है। देखो गरीब या गरीब, मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक गरीब नौकर था, तो मैंने उसको समझाया कि तूने गाय ले ली 40,000 की, इसके तो भाई खर्चा है, ये तेरे को पोसाएगी नहीं, तू बकरियाँ ले ले। तो उसको मैंने 5 बकरियां सरोई नस्ल की दे दी और वो पालने लग गया। अब बकरी ऐसा जानवर है जो लोगों के खेत में तो माल खावे, दूध आपके घर में देवे, चले तो सरकार की सड़कों पे और मेंगनी आपके घर में, उसके भी पैसे,
फिर उसके रेट की भी समस्या नहीं। अब जो है हर साल जब मैं पढ़ता था तो उस समय मांस का रेट 5 रुपए किलो था और आज 300 रुपए किलो है, और कोई मंडी की समस्या नहीं। आपके टोकरी लेके तैयार रहता है, दो छोटे छोटे आपके बकरे खड़े हो ना तो रोजाना आएगा खटीक, जब तक बिकेगा नहीं। घर में मंडी है लेकिन हम उधर जाने रहे। मेरा एक रिश्तेदार है और चोमू में फार्म देख लेना उसको, मैं आपको बताता हूँ वो क्या करता है। उसने बकरी का नहीं बकरों का फार्म खोला, कॉट फार्म, 1000 बकरे उसने लिए और 6.5 महीने के नीचे के लिए, और उसने अपने 40 बीघे में चारा जो होता ना उसको बिखेर दिया और उसमें छोड़ दिए। कुछ सस्ता चारा मूंग का द्वार का ये उसमें उनके लिए। 2 साल के जब बकरे हो गए तो सारे बकरे वो बढ़ के और बम्बे ले गया, 1000 बकरा बम्बे ले गया। सारा खर्चा निकाल के 1000 बकरों में 50 लाख रुपए कमा गया। अपने थोड़ी हिम्मत करें। आज ऐसी ऐसी नस्ल की बकरियां हैं, गरीब के लिए बकरी, उससे बड़ा किसान है उसके लिए गाय, उससे बड़ा तो घोड़े और वो ज्यादा महंगे। जितनी हैसियत है उस हिसाब से नई खेती में जुड़ो, नए बीजों से जुड़ो, नए नए तकनीक से जुड़ो तो अपनी खेती थोड़ी फायदे में आएगी। अब आपके यहाँ जो हमने आपकी मेडिसिन प्लांट की मंडी बनाई है तो कई ऐसे जंगली पौधे हैं जैसे किनवा, किनवा है ना, ये आपके कोई नहीं पूछता था आजकल कितने इसकी कीमत होगी। अब सरकार क्या बात खरीद रही उसको 60 रुपए किलो। अब आपका ओलिव हमने दिया है